मनाया 74वां गणतंत्र दिवस। जनपद सहारनपुर के सभी चौराहों और सरकारी भवनों को सजाया गया। तहसील ब्लॉक सरकारी और गैर स्कूलों में गणतंत्रता दिवस पर हुए कार्यक्रम। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। जी आपको बता दें कि सहारनपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के सभी चौराहों और सरकारी भवनों को सजाया गया। सभी तहसील ब्लॉक सरकारी और गैर स्कूलों में गणतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया। जनपद सहारनपुर के समस्त थानों पर ध्वजारोहण हुआ और समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई। आज सुबह पुलिस लाइन में परेड की गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने झांकी भी निकाली और छात्र छात्राओं के अलावा पुलिस विभाग के कई सिपाहियों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इतना ही नहीं, शहर का दिल कहा जाने वाले घंटाघर चौक पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को पूरी तरह से सजाया गया। जिले के सभी सामाजिक संगठनों ने अपने अपने कार्यालयों पर झंडारोहण किया। बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों को तिरंगों से सजाया। मंडलायुक्त लोकेश एम द्वारा गणतंत्रता दिवस के अवसर पर आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भारतीय गणतंत्र के संकल्प, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज एकता द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं की शपथ दिलाई गई। वही जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने जनपद के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि गत वर्ष में जिले की काफी प्रगति हुई है। प्रगति कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कनेक्टिविटी के लिए किए गए अवस्थापना संबंधी कार्य, विकास कार्यों में पिछले 3 महीनों से प्रदेश में जनपद की प्रथम रैंकिंग, जन सुनवाई में 6वां स्थान ने हमें अगले वर्ष इससे भी बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया। डीएम अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3 पात्रों लीलावती, ममता, गीता को 5-5 लाख रुपए का चेक भी प्रमाण पत्र दिया। वहीं इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने भारतीय गणतंत्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उसे बेहतर बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृतिराज, डिप्टी कलेक्ट्रेट अजय कुमार अम्बस्ट, डिप्टी कलेक्ट्रेट अंकुर वर्मा, मंडलीय सूचना अधिकारी दिलीप कुमार गुप्ता, प्रधान सहायक सरवर सिद्दीकी सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज के वीडियो आपको कैसे लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।